देखिए मैंने मिट्टी को रोस्ट करने के लिए इसमें डाला था, तो ये देखिए इसका क्या हाल हो गया है। और अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है, देख रहे, 11:50 हो रहे हैं रात के। तो मैं छत पे आई हूँ अपने वीडियो शूट करने के लिए। तो आज छत पे हमने बनाई थी रोटी और आलू को भून के उसका भरता लगाया था, आलू का जो चोखा बोलते जिसको वो। तो मुझे वीडियो बनानी है आप लोगों को, मैं दिखाती हूँ अपनी बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है मुल्तानी मिट्टी, ये देखिए। तो यहाँ पर ये चूल्हा जल रहा है और चूल्हे में आग है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस मिट्टी को मैं आप लोगों को इसमें रोस्ट करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से रोस्ट करते हैं चूल्हे में मुल्तानी मिट्टी को। और कई लोग हैं जो मुल्तानी मिट्टी को खाना बहुत कई लोग हैं जो मुल्तानी मिट्टी को खाना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये देखिए, और जो रोस्ट करके मिट्टी खाई जाती है, तो मतलब कई लोग तो ऐसे ही खा लेते हैं, लेकिन कई लोग जो है इसको चूल्हे पर या गैस पर या कहीं पे भी पका के फिर खाते हैं। तो ये सब खाना मतलब सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, इस चीज़ को नहीं खाना चाहिए। इससे पेट की पथरी हो जाती है, पेट की कई और बीमारियां भी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, पेट में कीड़े भी हो जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को खाने से इसे अवॉइड करिए, इसे कभी भी मत खाइए। अगर आप लोग इसको खा रहे हैं तो इसको प्लीज़ खाना बंद कर दीजिए। तो चलिए फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको रोस्ट करके कि इसको रोस्ट कैसे करेंगे चूल्हे में। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे की जो आग है वो निकाल दी है और ये देखिए, ये मिट्टी मैं इसको इसी में ऐसे डाल दूँगी। और आग जो है इसके ऊपर मैं डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए, और थोड़ी देर हम वेट करेंगे इसके पकने की। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मिट्टी को इसी में डाल दिया चूल्हे के अंदर, और 5 मिनट के करीब वेट करेंगे, उसके बाद में इसको निकाल कर देखेंगे कि ये मिट्टी पकी है या अभी नहीं पकी है। तो चलिए फिर, तब तक मैं आप लोगों से कुछ और बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने चूल्हे में मिट्टी डाल दी है, ये देखिए। और अभी रात हो गई है, रात के मतलब 12 बजने वाले हैं, शायद 1-2 मिनट रह गए होंगे। अभी मैंने आप लोगों को टाइम दिखाया था दूसरे वाले फ़ोन से, तो दूसरा वाला फ़ोन अभी निशा लेकर चली गई है। और मैं प्याज कट कर रही थी, तो प्याज मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा लग रहा था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई है, जुकाम हो गया है मुझे, कोल्ड हो गया है, गले में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो थोड़ा सा मतलब आवाज़ आप लोगों को स्लो आ रही होगी क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, तो बहुत आराम आराम से वीडियो बना रहे हैं। और फिर मेरी आंखें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे रोकर आई हूँ, लेकिन मैं रोकर नहीं आई हूँ, प्याज कट कर रही थी तो वही प्याज आंखों में लग रहा था बस। तो वो देखिए, मेरे पीछे चांद है, देख रहे हैं आप लोग। और इस चांद का हम लोग परसों कितना इंतज़ार कर रहे थे। तो थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बैक कैमरे से कि रात के टाइम में हमारे मोहल्ले का जो नज़ारा है 12 बजे के बाद का, वो नज़ारा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बैक कैमरे से। तो ये देखिए, ये हमारे घर के जो पीछे वाली गली है, ये वो वाली गली है, और यहाँ पर सिर्फ 2-3 गाय बैठी हैं, वहाँ सामने वो देखिए
उधर सामने दो गाय उधर बैठी हैं, एक इधर बैठी है और एक शायद इधर आगे भी बैठी हैं। तीन चार गायें हैं बस, बाकी सब लोग सो चुके हैं। देखिए आप लोग, और वो वहाँ पे चांद दिखाई दे रहा है और इधर भी सब बिल्कुल अंधेरा पड़ा है, सब लोग सो रहे हैं। और ये रहा हमारा चूल्हा जहाँ पर मैंने मिट्टी डाली है रोस्ट होने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको चेक करते हैं अभी कि क्या हाल है इसका। तो ये देखिए थोड़ा सा पकने लग गया है, ये देखिए ये वाला तो हो गया है काफ़ी सारा, ये देखिए। तो इसको अभी 5 मिनट और रखेंगे इसी में ही हम लोग। तो ये देखिए मैंने मिट्टी को रोस्ट करने के लिए इसमें डाला था, तो ये देखिए इसका क्या हाल हो गया है। और अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, ये देखिए कैसे छटक छटक के बाहर आ गया है, ये देखिए। और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा क्योंकि अभी इसको हमने भून लिया है। तो ये देखिए, और ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है इसलिए मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगी अभी। और ये देखिए कैसे पटाखे फूटे हैं इसमें, जैसे हम पॉपकॉर्न नहीं भूनते हैं वैसी सी आवाज़ें आ रही थी इसमें से काफ़ी सारी। और ये देखिए इसकी सारी परतें जो हैं वो अलग अलग हो गई हैं, काफ़ी गर्म है ये देखिए। ये देखिए इसकी परत जो है वो अलग अलग ऐसे हो गई है और अभी भी ये काफी गर्म है। कलर देखिए इसका कैसे चेंज हो गया है। और ये मुल्तानी मिट्टी है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और अगर आपको इसके साथ की और वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के लिए इसके साथ की वीडियो और लेकर आऊँगी। तो चलिए फिर अब नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे आप लोगों से। देखिए और इसको बहुत सारे लोग खाते हैं और ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है लेकिन है गर्म, हाथ में लो तो हाथ जल रहा है मेरा। और इसका कलर देखिए कितना प्यारा हो गया है, सोंधी सी खुशबू आ रही है इसमें से, मैं खाऊंगी नहीं मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं और इसको खाने से हमें अवॉइड करना चाहिए, जो भी इसको खाता है उसको खाना नहीं चाहिए। ये देखिए, तो चलिए फिर बाय।